देहरादून से खबर है, शासन ने त्योहारों को देखते हुए एसओपी जारी की है। अगले हफ्ते से शहर में सिनेमा हॉल खुलेंगे। 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी है। सिनेमा घर मल्टीप्लेक्स में एक बार फिर से रौनक लौटेगी। इस कोरोना के काल में एक बड़ा सवाल है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है सभी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा, कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल लगातार किया जाएगा और मास्क पहनना जरूरी होगा। आपको बता दें कि शासन ने त्योहारों को देखते हुए एसओपी जारी की है। अगले हफ्ते से शहर में खुलेंगे सिनेमा हॉल। 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी में सरकार। सिनेमा घर समेत मल्टी कॉम्प्लेक्स भी खोले जाएंगे। देखिए 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा घर। देवभूमि में नई एसओपी जारी हुई है। इस कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा हर किसी को। कोविड गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य किया गया है। सिनेमा हॉल को किया जाएगा सैनिटाइज। फिलहाल नहीं रिलीज हो रही कोई नई फिल्म। 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा घर और इस दौरान आपको भी और तमाम शासन प्रशासन के लोगों को भी यह हिदायत दी गई है, अधिकारियों को भी यह निर्देशित किया गया है कि इस दौरान गाइडलाइंस में जो भी कहा गया है कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरतने के लिए वो करना अनिवार्य होगा। अजीत कांबोज जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी अजीत। जिस तरीके से कोरोना का दौर और इस दौर के बीच में नई गाइडलाइंस आई है, इन नई गाइडलाइंस में क्या क्या छूट मिलने जा रही है और साफ सी बात है कोरोना का दौर अभी खत्म नहीं हुआ, आपको एहतियात भी बरतनी होगी। खबर है कि उत्तराखंड सरकार ने अलग से फेस्टिव सीजन को देखते हुए अक्टूबर से 2 दिसंबर तक के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें विस्तृत तौर पर इन बातों का जिक्र किया गया है कि त्योहारी सीजन में आपको सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करना होगा और कोरोना काल को लेकर क्या क्या नियम कानून राज्य सरकार की तरफ से प्रभावी किए गए हैं। साफ है कि 15 अक्टूबर से उत्तराखंड प्रदेश के भीतर तमाम सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क और तमाम तरह के जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं वो शुरू होने जा रही हैं और साथ ही त्योहारी सीजन भी 15 अक्टूबर के बाद शुरू होगा। तो इसमें किस तरह से नियमों का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का कहाँ कहाँ पालन होगा और अगर आप कोई रैली या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित करते हैं तो उसके लिए क्या क्या अनिवार्य शर्तें सरकार की तरफ से रखी गई हैं। साफ है कि मेले दौरान काफी लगते हैं, दीपावली का मौसम है, दशहरा आता है, तो तमाम तरह के बड़े पर्व इस वक्त आएंगे, तो इसमें तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लेकर अलग से गाइडलाइन जारी की गई है जिसके अनुसार ही आने वाले समय में यहाँ पर कार्य किए जा सकते हैं। जी अजीत, मुख्य तौर पर क्या अनिवार्य किया गया है जो करना ही होगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, और भी कुछ इसके अलावा? पंकज, अगर खास तौर पर देखा जाए गाइडलाइन में तो साफ है कि जो मैदानों में मेले लगते हैं, रैलीज का आयोजन होता है, उसमें खास तौर पर इसमें फोकस किया गया है कि अगर कोई मेला आयोजित किया जाता है तो उसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 गज की दूरी यानी लगभग 6 फीट के आपको मार्क लगाने होंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर मेले में आता है, किसी आयोजन में आता है, तो वो इन चिन्हित स्थानों पर ही खड़ा होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में पालन कराया जा सकता है, इसके लिए आपको जमीन पर मार्क्स लगाने होंगे जिनमें 6 गज 6 फीट की दूरी कम से कम होनी चाहिए। तो ये खास तौर पर फोकस किया गया है गाइडलाइन में। इसके अलावा जो कोरोना काल में तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अनिवार्य किए गए हैं, सैनिटाइजर आपको प्रॉपर करना होगा। अगर कोई एंटरटेनमेंट पार्क है, सपोज कीजिए स्विमिंग पूल अगर कहीं पर यूज होता है तो उसमें पानी कैसे वहां पर सैनिटाइज कराना है, क्लोरीन की मात्रा कितनी होगी, इसके अलावा कोई जूस वगैरह या पार्क वगैरह खुलते हैं तो उसमें कैसे लोग अगर छूते हैं किसी सतह को तो उसको साथ के साथ ही सैनिटाइज करने की व्यवस्था वहां पर करनी होगी। रिकॉर्ड आपको यहां पर रखना होगा, कौन सा रिकॉर्ड भी रखना होगा कि आपके यहां पर कौन आ रहा और किस तरीके से आया, क्या कोई कोरोना पेशेंट तो नहीं जिसमें सिम्टम्स इस तरीके से हैं, ये सब ध्यान में रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल